देखो अपने प्रो राइडर को देखो आप, ये देखो, चलो ऐसे होता है प्रो राइडर बेटा। मोटू ब्लॉग कम्युनिटी में आपका स्वागत है। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं आमिर माजिद के बारे में। तो आपको पता हो कि आमिर के BMW S1000 बाइक करने से पहले ही जानू स्टैंड ने ये वाला स्टोरी लगा दिया था। तो आज आमिर की तरफ से एक ब्लॉग आया जिसमें वो शायद से जानू स्टैंड को पोक करते हुए कहे कि नेक्स्ट सुपर कार के बारे में नहीं बताऊंगा, वरना लोग पहले ही स्टोरी लगा के कहेंगे कि मैं परचेस करने वाला हूं। एक और सुपर कार चाहिए भाई, अभी मतलब प्लान सुपर कार का ही है। देखो अभी सीक्रेट है, बिकॉज अभी हमें बहुत लंबा सफर जो है तय करना है। ऐसा ना हो कि कोई बंदा स्टोरी डाल दे और बोले कि मैंने ये परचेस कर लिया। अरे लोग जब छपरी बंद करते थे ना भाई, मैं और आयरा उस टाइम पे ब्लॉगिंग कर रहे होते थे। छपरी बंद करने में एंड ब्लॉगिंग करने में ना जमीन आसमान का फर्क था भाई। अर्न करते थे एंड तब उस टाइम पे भाई ये स्कूलों के बाहर जाके ना भाई लड़कियों को स्टॉपेज विलेज दिखाते थे भाई। एंड शायद से वो पोक किए हैं यूके जुड़से राइडर को उनके रिलेशनशिप को लेकर। आप खुद देख लो, बहुत सारे तुम यूट्यूबर्स देखते हो ना भाई, जैसे जैसे उनके व्यूज आना स्टार्ट हो जाते हैं तो लड़कियां ना चेंज होना स्टार्ट हो जाती है। हमने जीरो से स्टार्ट किया था, जाओ मेरे ना 10,000 सेलिब्रेशन वाला वीडियो होगा, वो 10,000 सेलिब्रेशन वाला वीडियो चेक करके आओ एक बार मेरे चैनल पे, और अभी 2.5 मिलियन होने वाले। वो दोनों वीडियो को ना चेक करके देखो, उसमें एक ही लड़की देखेगी। मैंने कभी भी किसी का दिल तोड़ के किसी के साथ दगाबाजी करके मेरे चैनल पे व्यूज नहीं लाए। एक ही लड़की के साथ था एंड इस टाइम पे भी एक ही के साथ हूं, एक ही के साथ मैं अभी वीडियोस जो वो बनाता हूं। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं मोटो ब्लॉगर जानू स्टैंड के बारे में। तो इनकी तरफ से कल एक ब्लॉग आया जिसमें वो अपने उत्तराखंड राइड के बारे में अपडेट देते हुए कुछ ये कहे। तो अभी हम 3-4 दिनों में ना वापस उत्तराखंड आने वाले हैं देहरादून में। तो देहरादून से मेरे जितने भाई भी वीडियोस देखते हैं ना, तैयार हो जाओ भाई, एक गदर वाला मीटअप करेंगे। मैंने आपसे ये चीज पूछनी है कि यार मैं 10R लेके आऊं या अपनी ड्यूक लेके आऊं। अगर तो भाई देहरादून वालों आपने अगर स्टंट देखने हैं तगड़े तगड़े तो बता दो भाई, मैं ड्यूक लेके आता हूं। और अगर आपको चाहिए आवाज भी, थोड़े स्टंट भी और थोड़ी मस्ती भी, तो आप बता दो भाई, मैं 10R लेके आऊंगा। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं प्रो राइडर 1000 के बारे में। तो क्या अगस्त चौहान को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है? कुछ दिन पहले जब पुलिस वाले अगस्त को एक नाके पर रोके थे तो वो वहां से भाग गए थे। आप सब लोगों ने देखा भी है, पुलिस वालों ने पकड़ा, पर वहाँ सीन कुछ और था। सीन बताइए और बाप क्या था? पूछताछ चाहिए बस, बाकी और हम भग गए। जब अगस्त ने उत्तराखंड के ग्राफिक एरा में जब मीटअप रखा तो वहाँ से उन्हें पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। आप उनके अरेस्ट का फुल वीडियो देख लो। देखो 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 अपने प्रो राइडर को, देखो अपने प्रो राइडर को देखो आप, ये देखो, चलो ऐसे होता है प्रो राइडर बेटा। गाड़ी में, हां गाड़ी चलो। मैं अगस्त चौहान, मैं कहता हूँ कि जो भी मैंने चीज़ें करी है वो अपने नियम, बाइक चलाते समय स्टंट करता हूँ, अब आगे से मैं ये नहीं करूँगा। और मेरे जितने फॉलोअर्स हैं मैं सबको बोलूँगा ऐसा ना करें, और ट्रैफिक रूल्स फॉलो करें, जैसे आपके स्टेट्स के ट्रैफिक रूल्स होते हैं उसको फॉलो करें, और मैं उसका पालन करूँगा और आगे से ऐसा नहीं करूँगा। एंड इसी सीन के ऊपर रिएक्ट करते हुए MSK अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में कुछ ये कहे। एक टाइम था हमारा जब हम मोटर ब्लॉग करते थे, एकदम क्लीन कंटेंट बनाते थे, हेलमेट पहनते थे, जैकेट पहनते थे, लोगों को कहते थे कि हेलमेट पहनो, जैकेट पहनो, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करो। लेकिन आजकल के मोटर ब्लॉगर्स ने तो गंदगी मचा के रख दिया है। मतलब एक मैं वीडियो देख रहा था जिसमें एक मोटर ब्लॉगर को पुलिस रुकाता है और वो भाग जाता है, स्टंट कर रहे हैं हाईवे पे, स्पीड पे गाड़ी चला रहे हैं, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, पुलिस वालों से पंगे लिए जा रहे हैं। और दुख की बात यह है कि ऐसे कॉन्टेंट लोग देख रहे हैं। जब ऐसे कॉन्टेंट को लोग देखते हैं तो लोग ऐसे कॉन्टेंट और बनाते हैं, और इनसे फिर लोग इंस्पायर होते हैं और ये आगे बढ़ते जाते हैं। तो यार मैं ज़िंदगी देखो एक ही है, अगर हड्डी टूटी दोबारा तो जुड़ जाएगी लेकिन पहले जैसा नहीं रहेगा। तो अपनी फैमिली का ख्याल रखो और ऐसे लोगों को मत देखो जो आपको गलत तरीके से इंस्पायर कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज वो ड्रामा दे रहे हैं। पुलिस गाड़ी फास्ट हम भी चलाते हैं, लेकिन जब गाड़ी फास्ट चलाते हैं तो कोई सामने होता नहीं है, लेकिन ये लोग जो गाड़ी फास्ट चला रहे हैं ना तो ऐसा कटकुट कटकुट मार के चला रहे हैं। स्टंट करने के लिए एक अलग जगह होती है, स्टंट एक अच्छा स्पोर्ट्स है, उसके लिए सही जगह होती है, सही जगह पे करो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा रोड पे नहीं करना चाहिए। और अगर तुम गाड़ी स्पीड में चला रहे हो और ऐसा कटकुट जिगजैग तुम सांप बना रहे हो, उससे कोई इंस्पायर होगा, तुम तो चलो बच जाओगे, लेकिन तुमको देख के कोई और इंस्पायर होगा, वो करने जाएगा, उसकी जान भी जा सकती है। जिस तरह तुम किसी के बेटे हो वो भी किसी का बेटा है। थोड़ा संभाल के पीस आउट, अगर बुरा लगे
तो लगना भी चाहिए। एंड अगर आपको इमेज के बाद थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। एंड आपको पता होगा कि प्रो राइडर 1000 के जेडेक्स रिनार पे लाउड एग्जॉस्ट फिट है एंड वो मार्केट में पब्लिक रिएक्शन भी बनाते हैं। तो कल यूके जर्सी में राइडर की तरफ से एक ब्लॉग आया जिसमें वो शायद से प्रो राइडर 1000 को पोक करते हुए कुछ ये कहे। लोग बोलते हैं ना कि बाबू भैया पुलिस वाले से दिक्कत है एग्जॉस्ट के लिए। भाई पुलिस वाले से एग्जॉस्ट के लिए कोई दिक्कत नहीं होती अंटिल एंड अनलेस आप पब्लिक न्यूसेंस नहीं क्रिएट करोगे, आप पब्लिक के लिए ऐसे बदतमीजी करोगे, रेव मारोगे, रिएक्शन लोगे तो फिर फॉर श्योर आपकी गाड़ी सीज होगी और अरेस्ट भी होगा यार। लास्ट स्टोरी हम बात करने वाले हैं लाइफ मोटो वर्ल्ड के बारे में। इनकी तरफ से कल एक वीडियो आया जिसमें वो फाइनली अपने BMW 8000 RR Pro का डिलीवरी ले लिए हैं। आप खुद देख लो। तो बस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।